टुडे वी विल डू टॉपिक मस्ट ऑफ मॉडल। अज आप मॉडल का टॉपिक करांगे। मस्ट ये द फर्स्ट पार्ट है जिदे विच आप जस्ट मस्ट का यूज देखांगे। मस्ट हैव और मस्ट बी का यूज आप नैक्सट पार्ट विच देखांगे। इत्थे आप मस्ट का यूज दे डिफरेंट यूजेस देखांगे मस्ट दे। इन दिस पार्ट इहदी सेंस हुंदी आ जरूर करना चाहिए है। कोई भी काम किसी परसन नूं आप कह रहे हैं भी तुम्हें कम जरूर करना ही चाहिए उत्थे आप मस्ट यूज करा। मस्ट इज यूज फॉर स्ट्रोंग और फोर्सीबली एडवाइस। मस्ट का यूज कितने करते आप किसी को स्ट्रोंगली या फोर्सीबली रेकमेंड या एडवाइस करनी। मीनस किसी पर्सन आप कह रहे हैं कि तू फिट सॉरी एक्सरसाइज करनी चाहिए है। इतने आप शुड का यूज कर सकते हैं। यू शुड टेक एक्सरसाइज। जो आप किसी परसन इस तरह कह रहे हैं कि जो तुम फिट होना चाहते हो तो एक्सरसाइज करनी ही पवेगी। मीनस तुहाडे कोल होर कोई ऑप्शन ही है नहीं। उत्थे आप मस्ट का यूज करांगे क्योंकि उत्थे आप अगले नूं स्ट्रोंगली एडवाइस दे रहे हैं। इहदा स्ट्रक्चर की है आई मस्ट एक्शन आई मस्ट नॉट एक्शन मस्ट आई एक्शन। स्ट्रक्चर की हुंदा इहदे अकॉर्डिंग आप सेंटेंसिस बनाउने अफर्मेटिव नैगेटिव इंटरोगेटिव। आई की जगह आप इत्थे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई होर सब्जेक्ट नू यूज कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर अपना सेम रहेगा। एक्शन की हुंदा वा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी। मस्ट इज यूज्ड ऑल सब्जेक्ट्स। मस्ट दा यूज आपां करदे हां ऑल सब्जेक्ट्स नाल। हुण आपां इहदे एग्जाम्पल्स देखांगे जिहदे थ्रू आपां नू इह मस्ट दा यूज क्लीयर होएगा। तुहानू 1 घंटा जरूर पढ़ना चाहीदा है। यू मस्ट स्टडी फॉर 1 आवर। इत्थे आपां शुड वी यूज कर सकते हैं सॉरी कर सकते सी। हुण आपां नूं किस तरह पता चलेगा कि इत्थे आपां नूं मस्ट यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी परसन नूं कह रही हाँ कि जे तुसी पास होना तुहाडे एग्जाम नेड़े आ रहे आ कि तां जे तुसी पास होना तुहानूं 1 घंटा पढ़ना ही चाहिए। मीनस आपां स्ट्रोंगली उस परसन नूं कह रहे हैं कि तुहानूं 1 घंटा पढ़ना ही चाहिए वा फिर तुसी पास होगे। मीनस इस स्ट्रोंगली एडवाइस आ उस परसन नूं। दैट्स वाई वी यूज मस्ट हियर। उसनू ओ रेस्टोरेंट विच जाना चाहिदा है। ही मस्ट गो टू दैट रेस्टोरेंट। हुण आपां नूं किस तरह पता लगेगा कि आपां ओ परसन नूं स्ट्रोंगली कर रहे हां रेकमेंड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हां कि कल मैं एक रेस्टोरेंट गई उत्थे मैनूं बहुत ही गुड सर्विस मिली। मैं किसी दूसरे परसन नूं कह रही हां जे कि तुसीं गुड सर्विस लैनी चाहुंदे हो तुहानूं उस रेस्टोरेंट च ही जाना चाहिए। मीन्स मैं उहनूं स्ट्रोंगली फोर्स कर रही हां कि तुहानूं होर किसी रेस्टोरेंट च गुड सर्विस नहीं मिलेगी तुहानूं उत्थे ही जाना चाहिए फिर ही तुहानूं गुड सर्विस मिलेगी। आपां नूं इत्थे क्लीयर हो रहा वी आपां अगले नूं स्ट्रोंगली जिहड़ा रेकमेंड कर रहे हां। तुहानूं इह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी परसन नूं आपां कह रहे हां कि कोई काम आ इह तुहानूं करना ही नहीं चाहिए। मीन्स अलाउड ही नहीं है इत्थे। यू मस्ट नॉट डू दिस एट ऑल। कि सानूं अपने पेरेंट्स नूं इह दसना चाहिए है। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव की होंगे वा आप अपनी हैल्पिंग वर्ब नू सब्जेक्ट तो अगे लिया। अपना हैल्पिंग वर्ब की है मस्ट। मीनस मस्ट एक मॉडल मॉडल्स मीनस एक हैल्पिंग वर्ब ही होंगे। मस्ट वी टेल दिस अवर पेरेंट्स। सैकेंड यूज ऑफ मस्ट। हूँ आप सैकेंड यूज देखा। मस्ट इज ऑलसो यूज फॉर ऑब्लीगेशन रूल और ड्यूटी। मस्ट का यूज आप किसी ऑब्लीगेशन ले भी कर सकते हैं रूल या ड्यूटी ले भी कर सकते हैं। मीनस रूल या ड्यूटी कह लो या ऑब्लीगेशन कह लो। मीनस कोई रूल है इस तो बिना कोई ऑप्शन ही नहीं गा उत्थे भी आप मस्ट का यूज करते हैं। हुण आपां एग्जाम्पल्स देखांगे। तुहानूं एक काम पूरा करना ही चाहिए है या करना ही पवेगा। किसी परसन नूं आपां कह रहे हैं कि कोई काम आ जिहड़ा कीते तो बिना कोई तुहाडे कोल होर ऑप्शन ही है नहीं। मीनस तुहानूं इह मजबूरी है ऑब्लीगेशन है करना ही चाहिए वा उत्थे भी आपां मस्ट दा यूज करांगे। दैट्स वाई वी यूज हेयर मस्ट। मीन्स आप किस परसन नूं ये कह रहे हैं कि तुहानूं ये करना ही चाहिए वा। मीन्स तुहाडे कोल होर कोई ऑप्शन ही है नहीं। यू मस्ट कंप्लीट दिस टास्क। तुहानूं जरूर डॉक्टर की सलाह लैनी ही चाहिए है। मीन्स किसी नूं आपां कह रहे हैं कि तुहाडे कोल कोई होर ऑप्शन नहीं तुहानूं लैनी ही चाहिए। मीन्स आपां उहनूं मजबूरी है मीनस उन्हें लैनी ही पवेगी। कोई परसन फॉर एग्जाम्पल कोई परसन बहुत ही ज़्यादा बीमार आ आप उन्हें कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर को जाना ही पवेगा। इतने अपन क्लीयर हो रहा है कि ऑब्लीगेशन उन्होंने जाना ही पवेगा होर कोई यदि कोई ऑप्शन नहीं। यू मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर। हम आप एक होर एग्जाम्पल लवेंगे जिदे थ्रू तुम्हें मस्ट का सैकेंड यूज
होर क्लियर होएगा। तुहाड़ी बांह ते ब्लड निकल रहा है, तुहानू हुणे डॉक्टर कोल जाना ही चाहीदा है। हुण किसी परसन की बांह ते ब्लड निकल रहा, उस परसन नूं आपां सिंपली एडवाइस नहीं करांगे, सॉरी सिंपली नहीं आपां उहनूं कहांगे कि तुहानू डॉक्टर कोल चले जाओ या ना जाओ, कोई उहदा उहनूं जाना ही पवेगा, कोई होर उहदे कोल ऑप्शन नहीं, उहदी ऑब्लीगेशन आ। दैट्स वाई वी यूज मस्ट हियर, वी सॉरी यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, योर आर्म इज ब्लीडिंग, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, मीन्स तुहाडे ब्लड निकलिया वा, तुहानू जाना ही पवेगा या जाना ही चाहिदा वा, मीन्स ए कंपल्शन भी शो करता है द सेकेंड यूज मस्ट द। नैक्सट इहदा आपां यूज देखांगे अ मस्ट, इट इज सेंस हुंदी है जरूरी। हेयर अ मस्ट इज यूज एज अ नाउन, अ मस्ट इत्थे एक नाउन की तरह यूज हो रहा वा। यूपीएससी एग्जाम जरूरी है एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, आप कह रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर जो तुम बनना वा तो यूपीएससी एग्जाम जरूरी है, मीनस इस तो बिना आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी एग्जाम इज अ मस्ट, कई परसन इतने अ नहीं लगाते मस्ट बोल देंगे, पर अ इतने इंपॉर्टेंट है लगाना, मीनस इतने आप कह रहे हैं भी रिक्वायर्ड है, मीनस नेसेसरी है यूपीएससी एग्जाम फॉर बिकम अ आईपीएस, बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। हुण आप एक होर एग्जाम्पल देखांगे, फ्लूएंट इंग्लिश बोलने लई स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टू स्पीक फ्लूएंट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, इतने एक अ मस्ट एक एज अ नाउन यूज हो रहा वा, मीनस आप किसी परसन कह रहे हैं भी जो तुम इंग्लिश फ्लूएंटली बोलना फराटे दारी तुम इंग्लिश जो बोलनी है तो तुम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, मीनस जरूरी है नेसेसरी है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड मस्ट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स।